साजन स्टूडियो पेश कर दे हन। कल सीमा दी कुख है सफल हुई, रब दुनिया ते तार अवतार आया, आके संतोखे दे तनु भाग लाए, कर्ण मनुखता दे नाल प्यार आया, बाणी लेके आया तुरु सचखंड देने लोका प्रकट होया, जिन्हां दा प्रकाश 14 लोकां दे विच होया। हर एक ने खुशी मनाई, शिरोमणी अवतार सतगुरु रविदास की उपमा दूर दूर तक फैल गई। विद्वान लोग कहते हैं कि बड़े तो बड़ा असह कष्ट बंदा सह सकता, अनहोनी गल सह सकता, पर किसी का मान वेख के नहीं जरिया जाता। जदों श्री गुरु रविदास महाराज की प्रभता सारी दुनिया काशीपुरी विच फैल गई, दूर दरेडों संगत आन लगियां, राजे कोले शिकायत गई, तो राजे ने कहा महाराज ये पंडित थोड़ी शिकायत करते भी तुसीं चमारां दे घर च जन्म लैके ते वड्डे वड्डे प्रधान पंडित राजे महाराजे किवें झुकण लगे। रविदास कहिंदे जिहड़ा सच कहिंदा उहदे अगे झुक दिओ, सच नूं एक बारी कहना पऊगा ते सौ नूं झूठ नूं सौ बार कहे तां झूठ ही झूठ रहेगा। कहिंदे फिर तुसीं की सच कहना चाहुंदे हैं? सतगुरु रविदास ने कहा ऐसा चाहूं राज मैं जां मिले संत को अन्न, बड़ा छोटा संबस है रविदास रहे प्रसन्न। मैं सारिआं नूं बराबरता दे विच वेखना चाहुंदा हां, सारे परमात्मा दी अरस है। इह जदों सच कहा सच्चाई छुप ना सके बनावट के असूलों से, कशपो आ नहीं सकती कभी कागज के फूलों से। जेड़ी सच्चाई जब प्रकट हुई ते उन्हां दी होर भी वड्याई फैल गई। कहिंदे आ मेहमान शहर राजस्थान दे विच पहुंच गई, मीरा मस्तानी परमेश्वर दा भजन तां करदी सी पर गुरु धारण नहीं सी कीता। जदों रविदास महाराज दी गल किसे ने दसी ते दिल दे विच प्यार आउण लगा, मीरा मस्तानी ने आपके पिता तो आगे लई, पिता जी मैं तीर्थ यात्रा करनी है। मीरा तीर्थ यात्रा करन वास्ते तीर्थां ते चली, काशीपुरी दे विच आई, रविदास महाराज के दरबार च गई, तो गुरबाणी दे विच शब्द आता जिस मिलिया मन होए आनंद सो सतगुर कही है। जब दर्शन किए मन में शांति आ गई, मीरा कहती आहा इत्थे परमात्मा की जोत आ बैठा रब, वन केड़ा ते वासी कितों दे, वासी अमर लोक दे, बाणा केड़ा पाया भरम दुनिया नूं पाउण दी खातर, ये तो पार ब्रह्म परमेश्वर है। चरणामृत लई नमस्कार कीती, दाता कृपा करो। कहिंदे बेटी तू ऐ जन्म च कृपा कहनी, तेरे तो हजारों जन्म पहला भी कृपा की असी। कहनी महाराज नाम की दात बख्शो, नाम सतगुरां ने दिता रविदास महाराज ने, मीरा आशीर्वाद दे के मेहमान शहर में तोरता। मीरा मेहमान शहर में आ गई, तो जब आई मेहमान शहर के आपके कमरे के मीरा वर्गी, ये जी राजपूतां की मर्यादा, पहली गल तो जी लड़की का पति शहीद हो जाए तो उन्होंने नाल सती होना पैंदा, जे ना सती होवे हद ते मकान पा के दिते जाते पिंडों बाहर, पहरा लाया जाता, चिट्टे वस्त्र पा दिते जाते उहदे, ते उत्थे उह भजन करदी आ। मीरा दे वस्त्र भी चिट्टे सी, उपरों भी चिट्टी ते अंदरों भी चिट्टी। मीरा ने कहा नाले वस्त्र चिट्टे हो गए, नाले अंदरों गुरु ने कृपा करती, सारी जन्म जन्मात्रा की मैल चक जा। मीरा नाम शब्द लैके उस कमरे में जापड़ी, जब जापड़ी दरवाजा
हद होवे नचना भी एक अवाहत है पर जे नचंदा चाचा होवे जे गुरु दी याद विच नचना ओ भी नचना सिमरन बन जांदा है मीरा गुरुआं दी याद विच किते नचन लग जांदी है ते कहिंदे भी मीरा दी माता ने कहा भी आ की हो गया ए तां ते तुरदी मसा सी ओ नचन लग गई नाम खमारी चढ़ गई दरवाजा खड़काया बेटी ए की करदी है कहिंदी मैं नहीं करदी होर कौन करदा कहिंदी जो करावे सतगुरु करदा है बंदा कुछ नहीं कर सकदा अच्छा हां कहिंदी तुम्बा तां तू बजाउंदी सी कहिंदी मैं नहीं बजाउंदी सी मेरे अंदर कोई होर बजाउंदा सी कहिंदी ए की गल तू तां हसदी है ओ कहिंदी माता हसना किते होर नजारा होर था बोलना किते होर ते इशारा होर साए वरंगियां दी बसता है ओ कहिंदी तू नहीं फड़ सकदी ओ कहिंदी फिर ओ तां बोलदे नहीं हुंदी जेड़े गजदे आ ओ वधदे नहीं जेड़े वधदे आ बोलदे नहीं मीरा कहिंदी कहिंदी जेड़े गजदे ओ वधदे नहीं हुंदे माता ते जेड़े वधदे आ बोलदे नहीं जेड़े पा जांदे ओ छपा जांदे राज दिल दा कदे भी खोलदे ओहो कहिंदे जदो पार ब्रह्म दी सार हो जे ते जगह जगह ते जाई के टोलदे नहीं जिन्हू अपने आप दा ज्ञान हो जे भर के वेद पुराण दे खोलदे नहीं माता उते पढ़न पढ़ाउण मुक जांदा है तू दस की कहनी है ओ कहनी मैं ए कहनी भी ए तू ना की ना जपदी है ओ कौन है जिने तू ना दी माला फेर दे मीरा दी मां मीरा नु बयान कर दी दस गुड़े पुत मीरा तू किसदा नाम ते आउंदी है हो देख अलाही कौत कमा कबरागी मीरा दी देख अलाही कौत कमा कबरागी मीरा दी दुनिया चाल फकीरा दी दुनिया नाल बखरी हुंदी चाल फकीरा दी सुन सान कमरे विच कीनू नाच विखाउनी है सुन सान कमरे विच कीनू नाच विखाउनी है दस पुरे पुत मीरा की दा नाम ते आउनी है दस पुरे पुत मीरा की दा नाम ते होनी है नाम खमारी चढ़ी रहे दिन रात पुड़े तैनूं नाम खमारी चढ़ी रहे दिन रात पुड़े तैनूं सुत रहे न तंदी चोर खांदा up
अखंड भगतनी जानी दुनिया ते नी सत दीप अखंड भगतनी जानी दुनिया शब्द कहा है।
इत बड़ा ही सोना है। वह कहते पास के स्पर्श से कंचन भई तलवार तुरसी तीनों ना गए वार्ता अकार। अगे सोने का सपा पास का स्पर्श करने से लोहे की तलवार सोना तो होगी पर करतब नहीं होते घटे ओहे जिया ओनी तिखी ओनी धार तिखी ओनी लम्मी। तो दूसरे शब्द में कहते तुलसीदास जी कहते ज्ञान हथौड़ा हाथ लिए सतगुर मिले सनार तुलसी तीनों मिट गए बार धार पका। जब गुरु कृपा करता ना भावे कि बंदा अतर हो मोह बना लेता शेरां बस कर लेंगे। सो सतगुरु की वडियाई है कहती मैं नहीं सतगुरु छड़ सकती मेरा सतगुरु दीन दुनी का राखा मेरा तो संसार से कोई है ही नहीं। मीरा कहती सतगुरु रविदास बिना नहीं मेरा ना दुनिया से कोई पीयान शहादत आशक मस्ती दीवानी मस्ती विच जल जांदे जगती दे क्षमा परवानी मस्ती विच जल जांदे जगती दे क्षमा परवानी विच नानक मारी दे मीरा मस्त दीवानी होई सतगुर रविदास बिना मेरा ना दुनिया ते कोई सतगुर रविदास बिना मेरा ना दुनिया ते कोई मैनू कोई मर जाओ ना मैं ना रहूं किसे दी वर्गी रहूं किसे दी वर्गी दिल देख दिल मेरा ना दुनिया ते कोई।
बहाना बह गया रब जुतियां गंडे नी आया स्वामी दरबारा सिंह महाराज के महान कवि होए है उन्होंने रचना है। यह प्रसंग बहुत लंबा है। मीरा का दर्जा स्वामी जी कहते हैं कलंदरां विच है। कलंदर दो तरह के गिने गए हैं विद्वानों ने कहा है। एक तो कलंदर वह होता कहते तस भी घुमाने से पैगंबर नहीं बनीदा, बंदर नचाने से कलंदर नहीं बनी। एक जिहड़ा बंदर नचाउंदा उहनूं भी कलंदर कहिंदे आ। एक जिहड़ा परमेश्वर का भजन करके रीतियां सिद्धियां विच निफल हो जांदा, पूरा भरपूर हो जांदा, उहनूं भी पैगंबर कलंदर कहिंदे आ। पैगंबर हुंदा जिहड़ा पैगाम देवे रब दा। इहनां कोल सारे दर्जे हुंदे आ, परमेश्वर का संदेश भी दिंदे। प्रसंग इह बहुत लंबा है, समय समय नाल प्रसंगतां दे चरणां च आउंदे रहांगे। इहदे विच सेवा कीती ज्ञानी सतनाम सिंह जी बुट्टा ਤੇ ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ ਜੀ ਘੁੱਪਰ ਬੇੜਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੈ ਸਰਜਨ ਸੇਵਕ ਸਿੰਘ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਦੱਸੋ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਲੈਂਦੇ ਨੂੰ ਸੰਗ ਜੀ ਆਉਂਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ, ਮੇਰਾ ਬਾਲਾ ਸੋਹਣਾ ਉਹਨਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ, ਹੁਣ ਜਾਂ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਮਾਫੀ ਆਖੋ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।